देख सकते हो, ये GLE 250 है। वीडियो बनाने का रीज़न है, पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था पिकअप का रिलेशन 212 का, बट ये 220 था, ये 250 है। इसमें क्या हो रहा है, पिकअप नहीं आ रहा है, RPM 3000 का ऊपर नहीं चल रहा है, ये 3000 नहीं, 2 पावर नहीं आ रहा है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन रोड में जब देता है ना तो पावर नहीं आता है, तो उसका तो 3000 तक RPM जाता है, लेकिन एक पावर आता है ना वो नहीं आ रहा है, तो मैं चेक किया तो स्टार्ट करने का टाइम में ये जो एक चोट है ये घिचट के रखना, स्टार्ट किया था ये नहीं घिचट रहा था, ये घिचट नहीं घिचटेगा तो इसका फॉल्ट होता है एडजस्ट ब्रेक प्रेशर का। मेरा एक वीडियो है ये चैनल में, हमारा पास दूसरा गाड़ी था, मैं आन के इसका फॉल्ट दिखा रहा था, मैं आन के ये भी डाला है, डालने के बाद भी हुआ नहीं, ठीक है तो नहीं हुआ। स्टार्ट करेगा तो ML और GL 250 ये इंजन में स्टार्ट कर दो, एक्चुएटर घिचित कर रखना, पकड़ कर रखना, देख लो ठीक है चैनल में सीन, ये देखो ये भी एक्चुएटर देखो, ये भी घिचित कर रखना, ये रोड है दिखाने के लिए हो रहा है, देख सकते हो ये भी घिचित कर रखना, स्टार्ट किया तो तब जाके पावर होती है। ये डबल टू इंच टर्बो, ये बड़ा टर्बो है, स्टार्टिंग में ये घिचित कर रखना ऐसा करके, मेरा वीडियो है चैनल में देख लेता है, ये भी घिचित कर रखना ठीक है। बट ये गाड़ी में ये भी नहीं घिचित रहा है, वो भी नहीं घिचित रहा है, तो मैं सब कुछ चेक किया, वैक्यूम भी लीक रहेगा तो ऐसा होता है, सोलनाइट भी गया तो ऐसा होता है, मैं सब कुछ चेक किया, सब कुछ ओके था, फाइनली मैं बाद में फॉल्ट मिला है, दिखाता हूँ। ये टैंक है रिजर्व टैंक पिकअप का, ये ऊपर बैठता है देख सकते हो, ऐसा बैठता है, मैं दिखाता हूँ, ये मैं खोला, खोलने के बाद देख रहे हैं ये लास्ट में बैठता है ठीक है, 1 2 3 4, तो दूसरा गाड़ी का पूरा चारों में पाइप फिट होता है, लेकिन ये गाड़ी में चारों में ये डम्मी है देख सकते हो, ये एक डम्मी है, अब दिखाई दे रहा है, ये देखो डम्मी है, ये बंद है, बाकी तीन है, इसमें तीन फंक्शन आ रहे हैं, तो पहले वाला गाड़ी में फिटिंग था, ये जो पाइप बन के इसमें फिटिंग हो गया था, अब दो तीन पाइप आता है, देखो मैं बोलने का नहीं हो रहा है, बट ये एक दो और ये तीन, तीन पाइप आता है, तो 1 2 3 ये खोला छोड़ दिया, तो इसी वजह से क्या होता है वैकम रिजर्व में ब्लॉक हो रहा है नहीं, इसलिए पिकअप नहीं आ रहा है, सोलनाइट को हवा नहीं मिल रहा है, आउट हो जा रहा है। हम खोल के देखा, ये डम्मी है, ये आप लोग देख के डालना, ये मिला है अभी, ये वो ये ऑलरेडी डम्मी है, मैं ये तीनों में डाल दिया, ये बराबर पिकअप आ गया, एयर ब्लॉक हो गया, बट पहले ये तीनों में डाल के था, बट वह एयर ब्लॉक नहीं, एयर इधर से आउट हो जा रहा था, इसलिए पावर नहीं आ रहा था, अभी वो भी काम कर रहा था, वो भी काम कर रहा है पूरा, देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, ऑफ करो, स्टार्ट करो, ऑफ करो, स्टार्ट करो, ऐसे ही देख सकते हो, इधर का पोर्शन के एक्टिवेटर ऐसे ही काम करना चाहिए, तब जाके बैंक से टिका पाता है, 212 हो, 204 हो, ML हो, जिसमें भी हो दिखाता हूँ, और भी रनिंग में हैंडलिंग में ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ था तो वैकम लाइन चेक करना, ये स्विच भी फॉल्ट आया तो उसको भी चेक करना, वैकम लीक है चेक करना, सोलनाइट भी तीन सोलनाइट आता है, एक सोलनाइट ये है, ये सभी दो है इधर होते और अंदर एक है तीन, ये है पीछे का, एक अंदर का पीछे आ रहा है, एक है सॉरी एक पीछे का आ रहा है, एक है और दो, ये एक तीन है और इसका एक आ रहा है अंदर में, चार सोलनाइट आ रहा है ये गाड़ी में, GLE एक मिनट सॉरी GLE में ऑफ करो, क्या सर स्टार्ट करो, ऑफ करो,
स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।